3 का पार्ट 2 देख रहे हैं आप, तो ये 2-3 वेब पेज हैं उसके बाद में फिर तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की इसमें हम बात करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जिनका टाइम पीरियड था वो होता 1940 से 1956 तक, जिसमें जो यूज की जा सकती थी जो उनका मेन फीचर था वो था वैक्यूम ट्यूब। तो यह है द इन्वेंशन ऑफ वैक्यूम ट्यूब टुक प्लेस इन ईयर 1946 एंड मार्क्ड एज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये कह रहा है कि जो वैक्यूम ट्यूब की इन्वेंशन हुई थी वो 1946 में हुई थी, जिसकी वजह से फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर इन्वेंट हो पाए थे। जो इनका मेन कंपोनेंट था वो था वैक्यूम ट्यूब, लाइक दोज इन ओल्ड रेडियोज विच वॉर्मड अप आफ्टर ए मिनट। और ये जैसे आप देखते हैं ना, पहले ज़माने की जो टीवी और रेडियो होती थी उनमें एक पिक्चर ट्यूब होती थी जो मतलब छोटी सी लाइट की तरह, जो जैसे करंट जाता था तो एकदम वॉर्मड अप यानी लाल सी हो जाती थी, और उसके बाद में स्क्रीन पे पिक्चर्स या वीडियो मूवीज वगैरह आने लगती थी। तो वो क्या थी, वो वैक्यूम ट्यूब थी। तो ये कह रहा है कि 1 मिनट के लगभग वो टाइम लेती थी ग्लो अप रेड होने में टू स्विच ऑन एंड ऑफ द सर्किट्स। वैक्यूम ट्यूब ऑल्सो कॉल्ड एज बेल्ब, तो इनको वैक्यूम ट्यूब को हम बेल्ब्स भी बोलते थे। इनके क्या क्या करेक्टर्स थे, तो यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब ऑल्सो कॉल्ड एज बेल्ब्स, ठीक है, ये क्या थे, हैवी और एक्सपेंसिव थे उस ज़माने में, काफ़ी बड़े होते थे उस ज़माने के कंप्यूटर, एक एक रूम में प्रोसेस होते थे, एक गाड़ी में एक ही आता था, प्रोसेसिंग इन मिली सेकेंड बोले तो 1 सेकेंड का 100वां हिस्सा, प्रोसेसिंग मिली सेकेंड में होती थी यानी एक इंस्ट्रक्शन 1 सेकेंड के 100वें हिस्से में प्रोसेस होती थी। बिग साइज काफ़ी बड़े होते थे, रूम्स के आकार में होते थे। हाई कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ इंटरनल वैक्यूम ट्यूब्स बर यूज, यानी कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करते थे जिसकी वजह से, बिकॉज इनमें हज़ारों वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी। तो मेंटेनेंस इनकी कॉस्ट ज़्यादा थी क्योंकि ख़राब होते रहते थे। इनपुट आउटपुट, तो ये मेन है इसमें इनपुट आउटपुट, इनपुट बाई पंच कार्ड एंड पेपर टेप जो इनकी इनपुट होती थी, यानी हम पहले स्क्रीन या कीबोर्ड या माउस का इन्वेंशन नहीं होती उस टाइम पे, तो जो इनपुट होती थी इसमें पंच कार्ड के थ्रू होती थी, पंच कार्ड होते थे और पेपर टेप के थ्रू होती थी, और आउटपुट जो निकलती थी वो सिर्फ प्रिंट आउट की फॉर्म में निकलती थी क्योंकि स्क्रीन भी नहीं बनी थी, तो मॉनिटर भी नहीं था, तो डिस्प्ले पर दिखती भी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ प्रिंट आउट होता था। यूज मशीन लेवल लैंग्वेज ओनली, यानी कि ये बाइनरी लैंग्वेज ही यूज करती थी उस टाइम पे, जिससे काफ़ी दिक्कत आती थी कन्वर्ट करने में, और इंग्लिश उस टाइम पे यूज़ नहीं कर सकती। इनके जो मॉडल हैं वो है IBM 650, यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो फर्स्ट जनरेशन के थे। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो थे हमारे, सेकेंड जनरेशन का जो पीरियड था वो था 1956 से 1963। इनका जो मेन फीचर था वो था ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर यूज करते थे वैक्यूम ट्यूब की जगह। द इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर प्लेस्ड रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब और बेल्ब। ट्रांजिस्टर इज ए सेमी कंडक्टर डिवाइस, ये सेमी कंडक्टर डिवाइस होते थे जो बहुत छोटे होते थे बेल्ब या वैक्यूम ट्यूब के कंपेरिजन में, एंड कैन परफॉर्म सेम फंक्शन, यानी उनके जैसे परफॉर्म कर सकते थे लेकिन उनसे छोटे होते थे। इनकी अगर करेक्टरिस्टिक की बात करें तो करेक्टरिस्टिक्स हैं रिड्यूस्ड इन साइज, यानी इस जनरेशन में साइज जो कंप्यूटर का छोटा हो गया। प्रोसेसिंग टाइम माइक्रो सेकेंड में हो गया, यानी पहले मिली सेकेंड में था और माइक्रो सेकेंड में हो गया, माइक्रो सेकेंड बोले तो सेकेंड का 1000वां हिस्सा। रिड्यूस्ड कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो गई है, लेस कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कम हो गई है, तो मोर रिलायबल हो गए, उन पर भरोसा किया सकता है, यानी डाटा अच्छा देने लगे। मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो गई है, इनपुट स्टिल बाई पंच कार्ड एंड आउटपुट बाई प्रिंट आउट। ये कह रहा है कि इनपुट अभी भी हम पंच कार्ड और पेपर टेप के थ्रू देते हैं और आउटपुट अभी भी प्रिंट आउट पर ही निकलती है। यूज ऑफ असेंबली लैंग्वेज, यह होता है मैनीमोनिक सिंबल्स विच अलाउड प्रोग्रामर्स टू स्पेसिफाई सम इंस्ट्रक्शन इन वर्ड। ये कह रहा है कि पहले सिर्फ और सिर्फ मशीन लेवल यानी बाइनरी लैंग्वेज यूज होती थी, लेकिन अब असेंबली लैंग्वेज यूज होने लगी थी इस जनरेशन में सेकंड वाले में। असेंबली लैंग्वेज बोले तो कुछ चीज़ों का हमने सिंबल बना दिया कि भाई अगर किसी चीज़ को जोड़ना है, ऐड करना है, तो उसको ADD, जैसे अब होते हैं ना, सब्सट्रैक्ट करना तो SUB, मल्टीप्लाई गुणा भाग करने, तो इस तरीके से कुछ सिंबल बना दिए है ना, तो जिसके थ्रू हम अब बाइनरी में ना करके इन सिंबल को मैनीमोनिक सिंबल बना दिए जिसके थ्रू ये परफॉर्म करेगा। इसके मॉडल था IBM 1401। थर्ड जनरेशन की बात करते हैं, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट IC का इन्वेंशन हो गया है। इनका पीरियड था 1964 से 1971 तक। तो इन 1964 इट वाज डिस्कवर्ड दैट फंक्शन ऑफ वन ऑफ द ट्रांजिस्टर कुड बी पुट टुगेदर ऑन ए सिंगल चिप ऑफ सिलिकॉन।
तो यानी कि जो एक सिंगल चिप थी सिलिकॉन की आईसी, उस पर कई सारे ट्रांजिस्टर को एक साथ अटैच करके उस कई ट्रांजिस्टर के फंक्शन एक सिंगल चिप कर सकती थी। दिस चिप आर कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट, जो वो चिप थी वो उसे आईसी बोलते हैं, और जिसकी वजह से हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का इन्वेंशन हो पाया। आईसी बर मोर कम्पैक्ट देन ट्रांजिस्टर एज हंड्रेड ऑफ ट्रांजिस्टर कुड बी प्लेस्ड ऑन ए सिंगल चिप। ये कह रहा है कि आईसी के आने से कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया, यानी कम्पैक्ट थी वो, एक छोटी सी चिप पे हजारों ट्रांजिस्टर अटैच किए जा सकते थे। तो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट रिप्लेस्ड सेवरल इंडिविजुअल बायड ट्रांजिस्टर, और इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो कंप्यूटर जो है स्मॉलर सिलिकॉन वेफर चिप जो थी स्मॉलर सिलिकॉन वेफर की थी, प्रोसेसिंग फ्रॉम माइक्रो सेकेंड टू नैनो सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड का लाखवा हिस्सा। सबसे पहले जनरेशन में क्या था, मिली सेकेंड, सेकेंड में माइक्रो सेकेंड, थर्ड में नैनो सेकेंड में आ गई है, और इजी टू मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चरना आसान हो गया, और सेकेंड जनरेशन से ज़्यादा रिलायबल हो गए हैं, लो मेंटेनेंस कॉस्ट हो गई है, यूज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज बिकम पॉसिबल, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज बोले तो इंग्लिश का यूज जो है पॉसिबल हो गया था इस जनरेशन में, और जो हमारे इनपुट आउटपुट थे तो पंच कार्ड और प्रिंटआउट की जगह हम इनपुट और आउटपुट, द यूजर स्टार्टेड इंटरेक्टिंग थ्रू कीबोर्ड मॉनिटर विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि फिर ऑपरेटिंग सिस्टम बन गए थे, और प्रिंटआउट की जगह आउटपुट को हम मॉनिटर पर भी देख सकते थे, अगर ज़रूरत है तो प्रिंटआउट निकालो, अदरवाइज मॉनिटर पर भी देख सकते थे, और इनपुट देने के तरीके में भी कीबोर्ड की इन्वेंशन हो गई थी, तो हम कीबोर्ड से देने लगे थे। उस ज़माने के मॉडल हैं IBM 360 और IBM 370। तो फ्रेंड्स बात करते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की, चौथी जनरेशन थी 1971 से प्रेजेंट, मतलब अब तक बात की जा सकती जाती है, और जिसमें माइक्रो प्रोसेसर जो है मेन फीचर था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बर फर्दर, ये कह रहा मिनिमाइज किए गए थ्रू फर्दर इंटीग्रेशन ऑफ सर्किट्स ऑन द सिलिकॉन चिप, ये कह रहा सिलिकॉन चिप पे और ज़्यादा सर्किट्स लगा करके उनके साइज को और थोड़ा कम कर दिया गया, यानी जो आज के मॉडर्न वो हैं उस टाइप का, थोड़े बड़े होते थे पहले जो कंप्यूटर होते थे, इतने बड़े होते थे ना टीवी के टाइप के, अब तो टीवी भी जैसे पहले चौड़ी वाली होती थी उस टाइप के। वेयर मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर आर प्लेस्ड इन ए सिंगल सिलिकॉन चिप, यानी एक सिलिकॉन चिप पे मिलियन बोले तो 10 लाख के करीब में ट्रांजिस्टर हम लगा सकते थे। तो यह बेसिकली दीज वर ऑन एक्सटेंशन ऑफ आईसी, यानी कि जो उनकी प्रोसेसिंग स्पीड है वो आईसी पे डिपेंड करती थी। तो यह लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI, तो अगर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन करते थे जिसमें थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर टू बी पुट ऑन स्मॉल सिलिकॉन चिप, यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में हम हजारों ट्रांजिस्टर सिलिकॉन चिप पे लगा सकते थे। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में हम लाख के करीब में ट्रांजिस्टर एक चिप पे लगा सकते थे। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में हम 10 लाख के करीब में ट्रांजिस्टर एक चिप पे लगा सकते थे। इन दिस वे, यानी इस इन सबको करने के वजह से LSI, BLSI, ULSI की वजह से जो कंप्यूटर का साइज़ है वो छोटा हो गया और कंप्यूटर सस्ता हो गया जैसा कभी नहीं था। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर जो इस जनरेशन की करेक्टरिस्टिक थी वो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड थी। माइक्रो प्रोसेसर इज ए सिंगल चिप आईसी सीपीयू, सिंगल चिप सीपीयू होते थे, पोर्टेबल टू रिलायबल, यानी पोर्ट आराम से कर सकते थे, एक आदमी लेके चल सकता था। लेस पावर कंजम्पशन, छोटे हो गए जिससे पावर कंजम्पशन भी कम होने लगी, मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम हो गई। इन 1981 IBM इंट्रोड्यूस द फर्स्ट कंप्यूटर फॉर द होम यूजर एज पर्सनल कंप्यूटर, तो 1981 में पहला IBM ने कंप्यूटर बनाया जो होम पर्पज़ के लिए भी यूज किया गया था। अब फ्रेंड बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की, तो फिफ्थ जनरेशन है प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, फ्यूचर की भी बात की गई है, जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोले तो रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी, वॉइस रिकॉग्निशन जो आजकल हमें देखने को मिल रही हैं। दीज कंप्यूटर्स विच आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर डिजाइन टू बी थिंकिंग कंप्यूटर्स कैपेबल ऑफ स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा टू बी रिसीव्ड एज एंड वैन रिक्वायर्ड टू सॉल्व, यानी ये कह रहा है कि ये थिंकिंग कंप्यूटर की तरह हो गए हैं, यानी हमने लार्ज कंप्यूटर, यानी कि इनमें जो डाटा स्टोरेज है वो बड़ी मात्रा में होगा, और जब भी हम डाटा को मांगेंगे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये तुरंत उस डाटा को हमें प्रोवाइड कर देगा। सच ए कंप्यूटर वुड हैव द कैपेसिटी टू लर्न फ्रॉम इट्स ओन मिस्टेक एंड पोजेस स्किल ऑफ ह्यूमन एक्सपर्ट, ये कह रहा है कि
इस तरीके के कंप्यूटर अपनी मिस्टेक से सीखने की कैपेबिलिटी रख से रखते हैं। जैसे आदमी सीखता है कि अगर मैं इस रास्ते से गया तो मुझे इतने का लॉस हुआ या मुझे ये प्रॉब्लम हुई, तो ये कंप्यूटर भी इस तरीके की फैसिलिटीज रखते हैं भाई। तो फ्रेंड्स, सच कंप्यूटर्स इन टर्म्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस एंड दे आर अटेम्प्ट टू एमुलेट। ये कह रहा है कि ये ह्यूमन एक्सपर्ट जो ह्यूमन पावर होती है उसको भी कैप्चर करने की कैपेबिलिटी रख सकते हैं और उन पर अभी भी खोज इन्वेंशन जारी है। जो फिफ्थ जनरेशन का गोल है वो है कंप्यूटर सिस्टम को इतना डेवलप करना दैट रेस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेज, जो आजकल वॉइस रिकॉग्निशन हो रही है उस तरीके से काम करना, इनपुट यानी वॉइस रिकॉग्निशन के थ्रू इनपुट ले लें, एंड आर कैपेबल ऑफ सेल्फ लर्निंग, जो खुद की कमियों से सीखें, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, खुद को सेल्फ ऑर्गेनाइज करें, खुद के प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग सेल्फ कंट्रोल करें पब्लिक को, किसी काम को। इनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं पाँचवीं जनरेशन की, वो हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ क्रिएशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर सिस्टम की ब्रांच है जो स्टडी करती है कंप्यूटर सिस्टम को बनाने के लिए। दैट एग्जिबिट्स सम फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, तो इसमें ऐसे ही आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। मेगा चिप्स, जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो मेगा चिप्स यूज की गई, यानी अल्ट्रा लार्ज से भी सुपर अल्ट्रा लार्ज जो है इसमें चिप यूज की जाएगी, जिसमें हम 1 बिलियन से भी ज़्यादा ट्रांजिस्टर एक सिलिकॉन चिप पर यूज कर सकते हैं। तो जिनकी वॉल्यूमस यानी वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी हो जाएगी, जैसे एक ह्यूमन माइंड की तरह काम कर सकते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग यानी एक साथ ये कई काम कर सकते हैं। एक कंप्यूटर यूजिंग पैरेलल प्रोसेसिंग एक्सेसेस सेवरल इंस्ट्रक्शन एडवांस, यानी एक ही टाइम पे एक ही सेकंड में बहुत सारे काम कर सकता है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन ले सकता है। तो ये कहता है काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन को एक्सेस कर सकता है, उन पर वर्क कर सकता है थ्रू यूज ऑफ मल्टीपल CPU, बस इनमें कई सारे CPU अटैच होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर के फंक्शन की बात करें तो कंप्यूटर चार तरह के फंक्शन करता है। पहला है इनपुट रिसीविंग ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, डाटा और इंस्ट्रक्शन की इनपुट लेता है और इनपुट जो लिया उसको प्रोसेस करता है, आउटपुट प्रोड्यूस करता है, एंड स्टोरिंग डाटा इंफॉर्मेशन एंड स्टोरिंग फॉर फ्यूचर यूज। इनपुट ली, प्रोसेस की, आउटपुट दी और स्टोर करता है डाटा और इन्फॉर्मेशन को फ्यूचर के लिए। तो इनके चार फंक्शन होते हैं किसी भी कंप्यूटर के, तो ये बात आप ध्यान रखना। फोर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके चार बड़े कंपोनेंट होते हैं, CPU, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट। ठीक है, इनपुट यूनिट जैसे कि माउस, कीबोर्ड या कोई भी ऐसा यूनिट जिससे कुछ भी इनपुट कंप्यूटर में दी जा सके, आउटपुट यूनिट जैसे प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, इस टाइप की, स्टोरेज यूनिट प्राइमरी स्टोरी रैम रोम, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव जैसे होते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं CPU की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो CPU जो प्रेजेंट होता है वो CPU कैबिनेट में प्रेजेंट होता है, जो एक बॉक्स होता है ना कंप्यूटर के साथ में, वो खुद CPU नहीं होता है, वो उसको बोलते हैं कैबिनेट बॉक्स। तो उसमें मदरबोर्ड होता है और मदरबोर्ड पे हमारा CPU छोटा सा लगा होता है। तो कहता है CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी माना जाता है। द कंप्यूटर डज इट्स ऑल वर्क थ्रू द CPU, कंप्यूटर अपने सारे काम CPU से ही करता है। ऑल कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन आर आल्सो डन इनसाइड बाय द CPU, सभी कैलकुलेशन और कंपैरिजन अंदर CPU के द्वारा ही की जाती हैं। CPU हैज टू मेन पार्ट्स, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ALU एंड CU टुगेदर फॉर्म द CPU, कह रहा है CPU के दो पार्ट होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, ये दोनों मिलकर ही CPU बनते हैं। तो इनके फंक्शन देख लेते हैं। जो हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है वो परफॉर्म करता है ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे कि एडिशन यानी जोड़ना, सब्सट्रैक्शन घटाना, मल्टीप्लिकेशन गुणा करना, डिवीजन भाग करना, एंड लॉजिकल ऑपरेशन सच एज ग्रेटर देन, लेस देन, यानी कंपैरिजन करते हैं ना हम भी, कि फिल्टर लगाते हैं एक्सेल में या कुछ भी कंपेयरिंग करते हैं, जोड़ना घटाना, यानी मैथमेटिकल से रिलेटेड जिस जो भी फंक्शन है वो करता है ALU यूनिट ऑफ CPU। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, व्हाट टू डू, इट ऑल्सो चेक द करेक्टनेस ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है कि भाई इनपुट सही से आ रही है या नहीं आ रही है, इनपुट सीक्वेंस में है, प्रिंट अगर दे रहे हैं तो प्रिंट सही से आ रही है या नहीं आ रही है, प्रिंट सीक्वेंस में है, पेपर लगे हुए हैं नहीं होते हैं तो जाम कर देता है ना कंप्यूटर, तो ये खाली चलने लगता है, क्या करना है कैसे करना है,
वो कंट्रोल यूनिट जो है डिसाइड करता है। तो सीपीयू के फंक्शन देख लेते हैं। सीपीयू के चार फंक्शन होते हैं, तो जो है फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट और फोर्थ है राइट बैक, चार इसके फंक्शन होते हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल हैं ये। तो यह है, द सीपीयू रिट्रीव्स द इंस्ट्रक्शन दैट इट नीड्स टू रन फ्रॉम द मेमोरी रैम, यानी कि सीपीयू इंफॉर्मेशन जो इसको चाहिए होती है कहाँ से लेता है, रैम से लेता है, रैम मेमोरी से। द सीपीयू हैज़ ए प्रोग्राम काउंटर विच कीप्स ट्रैक ऑफ द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन दैट सीपीयू प्रोसेस, यानी कि फैच का मतलब फैच में आता है, सीपीयू जो इसको चाहिए होती हैं वो इंफॉर्मेशन रैम से लेता है, और सीपीयू में प्रोग्राम काउंटर होते हैं जो जितने भी इंस्ट्रक्शन इसने सीपीयू से ली हैं, सीपीयू ने ली हैं, उस उन इंस्ट्रक्शन का ट्रैक रखता है, उनके काउंट करता है कितने इंस्ट्रक्शन ली हैं और क्या क्या उनका एड्रेस है, सीरियल नंबर इस तरह से। डिकोड, द कंपाइलर ट्रांसलेट्स द प्रोग्रामिंग कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू बाइनरी, जो सीपीयू समझता है। ये कह रहा है डिकोड फंक्शन में आता है, बोले तो कंपाइलर डिकोड में आता है, जो इंस्ट्रक्शन सीपीयू ने रैम से ली हैं, जो लिखी हुई थी इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज ही बोलते हैं, तो हाई लेवल लैंग्वेज से हम बाइनरी लैंग्वेज में कंपाइलर कन्वर्ट करेगा और बाइनरी लैंग्वेज को सीपीयू समझ लेता है। एग्जीक्यूट थर्ड स्टेप है, थर्ड फंक्शन है, तो जो इंफॉर्मेशन कन्वर्ट हो गई है बाइनरी में, नाउ द इंस्ट्रक्शन कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्म आर सेंड फॉर एग्जीक्यूशन बाय सीपीयू, तो अब सीपीयू ने एग्जीक्यूशन यानी कि फाइनल काम के लिए भेज देगा। तो फाइनल काम क्या क्या हो सकते हैं, सीपीयू कैन देन डू वन ऑफ द थ्री थिंग, सीपीयू तब इनमें से कोई भी तीन काम या तीनों काम कर सकता है। यूजिंग इट्स ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यूज करके इसका सीपीयू कैन अप्लाई मैथमेटिकल फंक्शन यूज कर सकता है या लॉजिकल फंक्शन यूज कर सकता है। मूव डाटा फ्रॉम वन मेमोरी लोकेशन टू अदर, डाटा को एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी में स्प्लिट कर सकता है, जोड़ सकता है। जंप डिफरेंट एड्रेसेस इन द प्रोग्राम बेस्ड ऑन द डिसीजन मेड बाय द सीपीयू इटसेल्फ, तो डिफरेंट एड्रेसेस पे डाटा को मूव कर सकता है। राइट बैक बोले तो आउटपुट प्रोड्यूस करना, द एक्शन टेकन बाय सीपीयू प्रोड्यूसेस सम सॉर्ट ऑफ आउटपुट, ये कह रहा है कि जो भी अब तक काम किए हैं उससे कुछ ना कुछ आउटपुट तो निकलेगी ही, तो फोर्थ स्टेप में हमारे आउटपुट ही है। द सीपीयू टेक्स दिस आउटपुट एंड राइट इनटू कंप्यूटर्स मेमोरी रैम, आउटपुट लेगा और कंप्यूटर की मेमोरी में कर देगा, रैम क्या करेगा उस मेमोरी को प्रिंटर को सेंड करके प्रिंट निकाल देगा। तो फ्रेंड्स अब बात की गई है सीपीयू क्लॉक। सीपीयू क्लॉक एक ऐसा क्लॉक है, जैसे कि सीपीयू कई काम एक साथ करता है, जैसे कि प्रिंट हमने 100 पेपर के दे दिए और साथ में हमने गाने भी चला रखे हैं, साथ में मैं बर्ड पे कुछ टाइपिंग भी कर रहा हूँ, तो सीपीयू क्लॉक जो होता है वो सीपीयू के टाइम को एलोकेट कर देता है, यानी कि पहले क्या करेगा सीपीयू का एक सेकंड में बहुत सारे काम कर लेता, तो एक सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा या करोड़वां हिस्सा म्यूजिक पे जाएगा, उसको प्रोसेस करेगा, फिर बर्ड पे आएगा, फिर प्रिंटिंग पे जाएगा, उस तरीके से कई काम ये कर, कुछ हमने डाउनलोडिंग भी लगा रखता है तो उस पर जाएगा। यानी सीपीयू क्लॉक क्या करता है, सीपीयू के टाइम को इट मेजर्स एंड एलोकेट ए फिक्स्ड टाइम स्लॉट फॉर प्रोसेसिंग टू ईच माइक्रो ऑपरेशन, यानी जो भी ऑपरेशन चल रहे हैं सीपीयू के टाइम को मेजर करेगा कि कितना टाइम है, उसको एलोकेट कर देगा अलग अलग प्रोसेस के लिए, तो ये काम करता है। तो आप इसको पढ़ लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की। तो इनपुट डिवाइसेस जो कंप्यूटर के होते हैं वो डाटा एक्सेप्ट करते हैं, इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट करते हैं यूजर से एंड कम्युनिकेट्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, और आगे कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट को यूज कर सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस हमारे कीबोर्ड, माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक आदि हो सकते हैं। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं वो कीबोर्ड है। इट इज़ बेसिकली यूज्ड टू टाइप डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, जो टाइपिंग करने के काम आता है। पॉइंटिंग डिवाइसेस होते हैं कुछ, द अदर इनपुट डिवाइसेस आर माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक एंड टच स्क्रीन, जिससे हम डायरेक्टली जो हमारा ऑब्जेक्ट स्क्रीन पर दिख सकता है उस पर टच कर दें या पॉइंट कर दें। द डिवाइस आर नॉट यूज फॉर टाइपिंग डाटा बट डिवाइसेस कैन बी यूज टू सेलेक्ट एन आइटम, जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसको डायरेक्टली हम सेलेक्ट कर सकते हैं, डाटा टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स कीबोर्ड सबसे पहले डिफाइन किया गया है। द डिफरेंट कीज ऑन कीबोर्ड लेट यू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन द कंप्यूटर, जो कीबोर्ड की अलग अलग की होती हैं, कीज होती हैं, वो अलग अलग तरह का डाटा एंटर करने में हमारी मदद करती हैं। तो कीबोर्ड की जो कीज हैं उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। अल्फ़ाबेट की, तो जो 26 हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं उनको राइट करने के काम आती है। न्यूमेरिक की, ये भी हमारी 10 की होती हैं, 0 to 9, तो यूज टू एंटर डाटा, जो नंबर्स हमारा
एंटर करने के काम आते हैं फंक्शन की। जो कीबोर्ड के टॉप में आप देखते हैं ना F1 F2 F1 से F12 तक, ये 12 फंक्शन की होती हैं जो है ना स्पेसिफिक फंक्शन के लिए आते हैं। यानी F2 से जैसे एडिट होता है, F5 से प्रोसेस होता है इस तरीके के, F12 से सेव होता है। तो अलग अलग प्रोग्राम में इनके अलग अलग काम होते हैं। टैली में कुछ अलग काम करते हैं। एरोज की, तो एरोज की होती है ना जैसे हम करते हैं राइट लेफ्ट अप एंड डाउन उस तरीके से। स्पेशल कीज, स्पेशल कीज कुछ स्पेशल फंक्शन करते हैं जैसे कंट्रोल की, एंटर की, डिलीट की, बैक स्पेस की, शिफ्ट की, स्पेस की एक्सेट्रा। तो इस तरीके का हमारा कीबोर्ड होता है। माउस, माउस एक इनपुट डिवाइस है जो स्मॉल हैंडहेल्ड डिवाइस होता है जो कंफर्टेबली फिट हो जाता है हमारे पाम में यानी हमारे हथेली पे। यू कैन सेलेक्ट एंड मूव एन आइटम ऑन द स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ माउस। माउस से हम किसी भी स्क्रीन पे दिखने वाले आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं। देर इज ए बॉल ऑन इट्स बॉटम एज यू मूव द माउस ओवर ए पाम सरफेस द माउस। यानी पहले क्या होता था, अब तो खैर लेजर बीम वाले माउस आने लगे, पहले एक बॉल टाइप की होती थी जो माउस को मूव करने से घूमती रहती थी उसके नीचे वाली साइड में। बट नाउ ऑप्टिकल माउस ऑल्सो अवेलेबल इन विच देर इज नो बॉल। तो ऑप्टिकल माउस होते हैं जो ऑटोमेटिक ट्रैक कर लेते हैं लेजर बीम के थ्रू। लेजर बीम डिटेक्ट्स द डायरेक्शन, यानी लेजर बीम जिस डायरेक्शन में हम कर रहे हैं उस डायरेक्शन में डिटेक्ट कर लेती है उसकी डायरेक्शन। उसके बाद है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल लुक लाइक ए माउस, ये माउस की तरह देखती है। बट द रोलर ऑन द टॉप विद द सिलेक्शन बटन ऑन द साइड। जैसे माउस में जो होता है बटन्स होते हैं, यानी जो बॉल होती थी पहले वाले माउस में नीचे की साइड में होती थी लेकिन इसमें ऊपर होती है। यानी ऊपर में हम इस तरीके से करेंगे तो कर्सर आराम से करते रहे। सिलेक्शन बटन होते हैं जैसे माउस में होते हैं ना, राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक। तो इससे भी पॉइंटर डिवाइस था तो स्क्रीन पर जो भी दिखता है हम उसे रोटेट कर सकते हैं, फिंगर के थ्रू पॉइंट कर सकते हैं। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है जिसमें एक स्टिक यानी एक लंबी सी छड़ी होती है इस टाइप की, दैट हिंग्स द बेस एंड रिपोर्ट्स द एंगुलर डायरेक्शन ऑन द। तो ये जनरली वीडियो गेम खेलने के काम आती हैं। जो लोग वीडियो गेम खेलते हैं अच्छे से समझ सकते हैं। गूगल पे आप इसका फोटो भी देख सकते हैं। यूजुअली इट हैज़ वन और मोर पुश बटन टू गिव कमांड्स, यानी कुछ इसमें बटन होते हैं जिससे ये कमांड दे सकते हैं कि भाई डाटा को इधर उधर मूव करने के लिए, वीडियो गेम खेलने के लिए। उसके बाद है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस है जो डिस्प्ले स्क्रीन है विच कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ ए टच विद इन द डिस्प्ले एरिया। तो जैसे हम कुछ टच करते हैं ये उस लोकेशन को डिटेक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग फंक्शन परफॉर्म करता है हमारी टच के अकॉर्डिंग। जो टच स्क्रीन है वो इन्वेंट की थी HP ने। HP की फुल फॉर्म होती है हेवलेट पैकर्ड। द टर्म टच स्क्रीन रेफर्स टू टच बाय ए फिंगर, फिंगर के द्वारा। वी कैन डायरेक्टली पॉइंट एन ऑब्जेक्ट, तो जो भी कुछ ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है हम डायरेक्टली उसको पॉइंट कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं, उससे कुछ भी काम कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आता है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर OCR। इट एम्प्लॉय सेट ऑफ प्रिंटिंग करेक्टर्स विद स्टैंडर्ड फॉन्ट विच कैन बी रीड बाई बोथ ह्यूमन एंड मशीन रीडर्स। द मशीन रीडिंग इज डन बाई लाइट स्कैनिंग टेक्निक इन विच ईच करेक्टर इज एनलाइटेड बाई। देखो ऑप्टिकल करेक्टर रीडर अगर मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स ये आता है कुछ चीज़ों को रीड करने के लिए, जैसे लार्ज वॉल्यूम में कुछ स्कैन करना है, पिन कोड वगैरह या उस टाइप की चीज़ों को स्कैन करना है, स्कैन करना जैसे मैप होते हैं ना बड़े बड़े, तो उनको जो स्कैन करते हैं उस टाइप में ये आता है। तो ये यूजफुल होता है लार्ज वॉल्यूम बिलिंग एप्लीकेशन जैसे पिन कोड इन पोस्टल सर्विस रीडिंग पैसेंजर टिकट। तो पैसेंजर टिकट में हम रीड जैसे ही उसको दिखाते हैं तो देख लेता है कि हाँ ये नाम है, डिटेल्स दे देता है। OCR करेक्टर कैन बी सेंट एन इनपुट ऑन द टू द CPU। जो भी हम OCR से स्कैन करेंगे वो CPU को इनपुट के तौर पर भी दे सकता है और प्रिंटर के द्वारा उसकी आउटपुट भी दे सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर आपने देखा होगा काफ़ी चीज़ों पे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे हमारे ये रजिस्टर है ना, इसमें ये जो लाइन है ये होती है बार कोड। अगर हम बार कोड रीडर को इसके थ्रू स्कैन करेंगे तो इसकी सारी डिटेल आ जाएगी, क्या प्राइस है, कौन मैन्युफैक्चरर है, क्या मैन्युफैक्चरिंग डेट है, तो कहाँ से लाइसेंस है, सारी डिटेल इससे आ जाती हैं। तो अगर मैं आपको और भी एक एग्जांपल, जैसे मैंने ये बोट का हेडफोन ख़रीदा था तो इस पर भी ये जो देख रही हैं तो ये हमारी वही है बार कोड रीडर है। तो इस तरीके से भी आप ये कर सकते हैं। ये होती है बार कोड रीडर। तो जो भी ये एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो बार कोड डाटा को रीड करने के काम आता है। तो इट इज़ जनरली यूज इन लेबलिंग गुड्स और नंबरिंग ऑफ बुक्स। तो ये पढ़ सकते हैं आप, काफ़ी सिंपल है ये। तो जो बार कोड डिवाइस हमारे दो तरह के होते हैं, फ्लैट बेड और हैंडहेल्ड। यानी एक तो हाथ से इस तरीके होते हैं जैसे लगाओगे और देख लेगा, और फ्लैट बेड यानी ऐसे रखे होते हैं।